सेकेंड क्वेश्चन जो है ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है. कहा गया एन इलेक्ट्रॉन गन इज प्लेस्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ रेडियस आर ऑन इट्स एक्सिस. जैसे देख सकते हैं यहां पर एक सोलेनोइड है ना. सोलेनोइड का रेडियस दिया गया आर और इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन गन है. अगर इस सोलेनोइड का क्रॉस सेक्शन देखें तो सर्कुलर होगा, मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखाया है ठीक. तो कुछ इस तरह से कोई जैसे कि ये एक रेडियस होता है ना, ऐसे ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को फायर किया जाता है ऐसा कहा गया. इसमें कहा गया द सोलेनोइड हैज एन टर्न्स पॉइंट लेंथ एंड कैरीज अ करेंट आई. द इलेक्ट्रॉन गन शूट्स एन इलेक्ट्रॉन अलोंग द रेडियस ऑफ द सोलेनोइड विथ स्पीड वी, है ना. तो वी वेलोसिटी से इसको यहां पर फायर किया जाता है. हमें पता है कि जो सोलेनोइड है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इस सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, या तो अंदर होगा या बाहर होगा ठीक. अगर मान लेते हैं कि ये अंदर है ना, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और ये यूनिफॉर्म माना जाता है, चूंकि सोलेनोइड जो है वो लॉन्ग है, उसका लेंथ बहुत ज्यादा है. तो लॉन्ग सोलेनोइड में जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम लोग यूनिफॉर्म मानते हैं. तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर वेलोसिटी दिया जाए चार्ज पार्टिकल को तो सर्कुलर मोशन करने लगता है, हमें पता है ना. तो यहां पर देखेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वी इधर है, तो वी क्रॉस बी आएगा इधर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है जो कि निगेटिव चार्ज होता है तो उस पर फोर्स लगेगा इधर, है ना. तो ये ऐसे घूमने लगेगा, कुछ इस तरह से घूमेगा. और इसमें ये कहा गया कि इफ द इलेक्ट्रॉन डज नॉट हीट द सरफेस ऑफ द सोलेनोइड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी वी, है ना. तो ये कुछ इस तरह से इसका जो सर्किल पाथ पर घूमेगा, सर्किल का मैक्सिमम रेडियस जो है वो सोलेनोइड के रेडियस का आधा हो सकता है. सोलेनोइड का जो रेडियस है वो इसका डायमीटर है ना. तो इसका सर्कुलर पाथ कुछ ऐसा होगा जिसका रेडियस हम लोग आर बाई टू ले सकते हैं. हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज जो है सर्कुलर पाथ फॉलो करता है तो उसका जो रेडियस होता है उसको लिखते हैं एम वी बाई क्यू बी ठीक. तो यहां पर चूंकि रेडियस हमने मैक्सिमम लिया है तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगा, चार्ज जो है वो ई लेंगे और मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा इसकी वजह से, सोलेनोइड की वजह से, वो होता है म्यू नॉट एन आई. तो यहां से वी मैक्सिमम का वैल्यू हम लोग पता कर सकते हैं ई म्यू नॉट एन आई इंटू आर बाई टू एम, ठीक है, ये आएगा. तो देखेंगे जो सेकेंड ऑप्शन है इसमें दिया ई म्यू नॉट एन आई आर डिवाइडेड बाई टू एम, तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया.